25 टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद जिन दो खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा हो रही थी आलोचना, अब दिग्गज खिलाड़ी 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उन्हीं को खिलाने की कर रहे मांग। रोहित के विस्फोटक अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। विराट कोहली के रनों के अंबार ने सेलेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब ये दोनों खिलाड़ी टी20 में मचाएंगे धमाल। वेस्टइंडीज के पिच पर रोहित और विराट का अनुभव आएगा काम। इरफान पठान ने कर दिया खुलेआम ऐलान। वेस्टइंडीज और यूएसए की मेजबानी में साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। सभी टीमों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने दिली इच्छा जताई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप टीम में हिस्सा लें। उनका मानना है कि दोनों बल्लेबाज अपने अनुभव का फायदा टीम को दिला सकते हैं। साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से दोनों खिलाड़ियों के आगे खेलने के सवाल पर विराम लग गया था। दोनों को कई सीरीज में आराम दिया गया। अटकलें शुरू हो गई थी कि टी20 में इन दोनों खिलाड़ियों का कैरियर समाप्त हो गया है। हालांकि 2023 वर्ल्ड कप में रोहित और कोहली के बल्ले से खूब रन बरसे हैं। विराट कोहली ने जहां 765 रन बनाते हुए गोल्डन बैट हासिल किया है, तो वहीं रोहित शर्मा ने 597 रन बनाए हैं। रोहित और कोहली की फॉर्म को देखते हुए पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने इच्छा जाहिर की है कि दोनों टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेले। स्टार स्पोर्ट्स से बोलते हुए इरफान पठान ने कहा कि वो कोहली और रोहित को टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वेस्टइंडीज में और उन्हें लगता है कि इन दोनों का अनुभव काम आएगा। पठान ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखना चाहूंगा। इसका कारण यह है कि हम विश्व कप कहां खेल रहे हैं। विश्व कप वेस्टइंडीज में है और पिच बदल गई है। जाहिर तौर पर ये एक ICC प्रतियोगिता है, पिच बेहतर होंगी। इसलिए मैं वास्तव में आशा करता हूं कि रोहित शर्मा कप्तान बने रहें, और साथ ही आप हमेशा विराट कोहली जैसे लोगों और उनके अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। इरफान पठान ने आगे कहा कि बहुत से लोग टी20 क्रिकेट में नए दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जैसे लोग जिस तरह से वो खेल इस समय खेल रहे हैं, वो भारतीय क्रिकेट के असली लीडर हैं। जिस तरह से उन्होंने दृष्टिकोण बदला है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और टीम को आगे ले गए हैं, उन्होंने वास्तव में मानसिकता बदल दी है। वैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर टी20 वर्ल्ड कप में खेले या ना खेले, इस पर आपकी क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।